हेलो एवरीवन, जेपी यादव दिस साइड। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी अपने पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे से बिजी होंगे एंड दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। और गाइस, मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ये जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें जो अपने भारत के लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो उसमें से ये जो मैं आपको 6 से 7 प्रश्न बताऊंगा, ये कंपलसरी है कि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में उसी जो जनरल नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सबको आपको याद भी करना चाहिए, पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जो वीडियो है, उस वीडियो का टॉपिक है सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर डेली जीके पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो हमारा चैनल फ्रॉम जेपी यादव है, ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसी एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। एंड अगर रोज़ जीके और सीजी करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का ये लोगो है, आप सभी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ढेर सारा प्यार बनाते रहें, जिससे आप सभी के लिए हम ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाते रहें। तो चलो शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न की इस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पे क्या हुआ करती थी 2000, वहाँ मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम से वहाँ पे धारा 370 लगी हुई थी, ठीक है। तो इस धारा के तहत मतलब कोई भी हिंदू लड़का कोई भी मुसलमान लड़की से शादी वादी करता था, ये सब चीज़ें थी। तो इस धारा के मतलब कि जम्मू कश्मीर वो लागू था, तो वह धारा जम्मू कश्मीर से कब हटी, ये जो 370 धारा है वो कब हटी। तो ये जो धारा है ना, वो एक्चुअल में 5 अगस्त 2019 को ये धारा जो है कि हटी जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी। तो इसका आंसर है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी। तो ये रहा दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी, वो 5 अगस्त 2019। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसके बाद जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट प्रश्न का, तो उसको देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वो है कि पुलवामा हमला कब हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पुलवामा हमला के तहत हमारे देश के बहुत सारे नौजवान वीर शहीद हो गए थे। तो वो पुलवामा हमला कब हुआ था, तो वो जो है कि 14 फरवरी 2019 को हुआ था। 14 फरवरी के डेट को 2019 को ये घटना हुई थी। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये अपने देश में बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके तहत हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, कि पुलवामा हमला कब हुआ था। पुलवामा हमला जो है कि 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारे जो वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है वो है, राम मंदिर का फैसला कब हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राम जो हिंदू और मुसलमानों के बीच राम मंदिर बनाने को बड़ा युद्ध चल रहा था, तो उसका फैसला एक्चुअल में कब हुआ। तो राम मंदिर का फैसला एक्चुअल में 9 नवंबर 2019 को हुआ कि अब राम मंदिर बनेगा, ठीक है। तो राम मंदिर का फैसला जो है कि 9
2019 को हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ। राम मंदिर का फैसला 9 नवंबर 2019 को हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ। राम मंदिर का फैसला 9 नवंबर 2019 को हुआ। चलिए दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में नोटबंदी कब हुई। वर्तमान समय में जब कुछ वर्षों पहले 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना कि कुछ वर्ष पूर्व भारत में नोटबंदी हुई थी, है ना। तो इसके तहत आप सभी को पता ही होगा कि नए नए नोट आए, कुछ नोट बंद हुए, ठीक है। तो भारत में जो है कि नोटबंदी कब हुई, भारत में नोटबंदी जो है कि 8 नवंबर को 2016 को हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, जो कि पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में नोटबंदी एक्चुअल में 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इसके बाद हमारे वीडियो का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में अभी वर्तमान समय में कुल 18 रेलवे जोन हैं। भारत में अभी कुल जो है कि 18 रेलवे जोन हैं। आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए दोस्तों कि भारत में वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन हैं। तो अभी वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा ही जा सकता है दोस्तों आप सभी को एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद ये जो है कि हमारा 6वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, तो वो है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH 44, ठीक है, NH 44, है ना, NH 44। ये जो है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि पूछा ही जाता है दोस्तों आप सभी को एग्जामिनेशन में। तो ये पता होनी चाहिए आप सभी को कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले, इस जनरल नॉलेज के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे इस चैनल पर रोज़ाना जीके पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी से ऐसी एक भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए हमारे इस चैनल फ्रॉम JP यादव को, एंड अपना प्यार बनाते रहें, ताकि आप सभी के लिए हम ऐसी वीडियो रोज़ लाते रहें। तो थैंक यू गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।